हेलो वेलकम नमस्कार, स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल पर। मुख्य रूप से लेट ब्लाइट जो फंगस आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो आपको कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जिसमें मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है, साथ ही उसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक जरूर देखते रहिए। देखिए, टमाटर की फसल हो या फिर आलू की फसल हो या फिर अंगूर की फसल पर डाउनी या फिर पाउडर मिल्ड्यूट का प्रकोप है। एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आप किसी प्रकार की चाहे आलू की खेती कर रहे हैं या फिर टमाटर की खेती कर रहे हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं हमेशा प्रिवेंटिव रखना चाहिए। हो सकता है कई किसान भाई क्या करते हैं कि लेट ब्लाइट का हमारी टमाटर की फसल पर बहुत ही ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, उस कंडीशन में हम महंगी फंगीसाइड का स्प्रे भी करते हैं और रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। कारण उसका यही है कि किसी भी प्रारंभिक चरणों पर किसी भी फंगस को यदि हम नियंत्रण करेंगे तो न केवल वो फंगस नियंत्रण रहेगा, सौ बात की एक बात ये है कि टमाटर की फसल हो या फिर आलू की फसल हो, लेट ब्लाइट को यदि आपको कंट्रोल करके नियंत्रण करके रखना है तो प्रारंभिक चरणों पर ही आपको किसी प्रकार के फंगस को रोकना चाहिए। यदि हो सकता है फंगस की चरम सीमा है तो यह फंगीसाइड भी काम नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ स्प्रे आपको करना है काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो प्रारंभिक चरणों पर ही आप स्प्रे करते रहें ताकि फंगस ही ना आ पाए। लेट ब्लाइट यानी टमाटर की फसल पर पछेती झुलसा को कंट्रोल करने के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं मैंकोजेब 30% प्लस कॉपर सल्फेट 47.15% जो कि WDG फॉर्म में आती है। यही टेक्निकल आपको UPL कंपनी की कोप्रोफिक्स फंगीसाइड पर आपको यही टेक्निकल्स मिल जाता है। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ कि टमाटर की फसल पर यह मुख्य रूप से लेट ब्लाइट को कंट्रोल करता है, टमाटर की फसल पर और आलू की फसल पर। इसके अलावा खीरा और तरबूज की फसल पर यह मुख्य रूप से डाउनी मिल्ड्यूट को कंट्रोल करता है और मूंगफली और सोयाबीन की फसल पर लीप स्पॉट को यह मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। लगभग सही प्रकार की फसलों पर आपको 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि खर्च की बात की जाए तो प्रति एकड़ का खर्च 600 रुपए के समथिंग 500 से 600 रुपए के समथिंग प्रति एकड़ का खर्च पड़ता है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।